call it tuna. Tuna? Yeah. Normally it's a white color, no? Yeah, yeah. They put haldi, no? To make color. Yes. लीजिए इस वक्त मैं आपको करा रहा हूँ पारो की सैर। ये पारो की मेन मार्केट है, क्लॉक टावर के एकदम साथ में। आप बस चलिए और एंजॉय करिए नज़ारे आसपास के। थ्रू आउट भूटान में एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि यहाँ शॉप एक्चुअल में शॉप के अंदर लगती है, ना कि हमारे इंडिया की तरह जहाँ सारा सामान शॉप के बाहर रखा होता है, फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं होती। यहाँ देखिए कितने सलीके से सब का सब सामान शॉप के अंदर है, लोग बाहर चल फिर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे सब शॉप्स हैं और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ रेस्टोरेंट हैं और या फिर कोई ऑफिस है। आप थिम्पू में हो, पारो में हो, यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। काश ऐसा हमारे देश में भी होता। एक अच्छी गवर्नेंस होना कितना ज़रूरी है, ये चीज़ पता चलती है जब हिंदुस्तान से आप भूटान की तरफ एंटर करते हैं। देखिए किस तरह से पार्किंग की गई है, पार्किंग की स्पेसिफाइड जगह पर ही, सड़क के दोनों तरफ पर जगह करके मार्क करके बॉक्स बनाया गया है जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं और बीच में गाड़ी चलती है। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि पेडेस्ट्रियन बनी है, वहीं से लोग रोड क्रॉस करते हैं और जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं आपके लिए। ये है ह्यूमन बीइंग की सही रिस्पेक्ट रादर देन गाड़ियों की। सामने जो जगह है ये सिटी सेंटर है, यहाँ पर स्टॉल लगा है और थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तो आएगा ये जगह जहाँ ओके पारो छेचू में जो मार्केट लगी है ये वो जगह है जहाँ सब फूड स्टॉल्स हैं और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स हैं। ये जो फास्ट रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये है इसकी मेहनत करनी पड़ती है भूटानी ड्रेस को पहनने में, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी फेस्टिवल में, किसी ऑफिस में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप भूटान की फॉर्मल ड्रेस पहने। ये लुबजंग के फादर हैं जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं जोंग जाने की, ताकि पारो छू जो फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये है वो एरिया जो अलोकेट किया गया है हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स के लिए और यहीं पर फूड स्टॉल्स हैं, तो जिसको शॉपिंग करनी है वो इस एरिया में आएगा। और जो मेन फंक्शन है जिसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो होगा जोंग के अंदर। पूरे दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन चलेगा। आप तब तक इंजॉय करिए। यहाँ देखिए स्टॉल किस तरह से बनाए गए हैं, कौन कौन सी आइटम्स हैं और आप देख सकते हैं खूबसूरत भूटान के लोगों को उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में। गो है वो जो इंसान ने पहले पहनी है, जो लेडी साथ में खड़ी है उन्होंने ड्रेस पहनी है वो है कारी। सो गो कारी। और ये देखिए छोटा बच्चा ट्रेडिशनल ड्रेस में कितना प्यारा लग रहा है देखने में। Such a cute baby. Botanics are really cute. They are amazing kids. And इस ड्रेस को पहन के चलते कितने अच्छे लगते हैं। लंच में मुझे उनकी शॉप पर ही ऑफर किया गया वाइट राइस, साथ में था इमादाची यानी कि रेड चिली की सब्जी बनी हुई। और ये देखिए शॉप के अंदर से बाहर का नज़ारा फोर्स्ट फॉरवर्ड मोड पर, लोग किस तरह से आ रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। ये कमाल की जगह थी, काफ़ी देर तक मैं इनकी शॉप में बैठा रहा।
में करीब 8 बजे के आसपास का टाइम है। ये यहाँ के फूड स्टॉल वाला सेक्शन है, लेफ्ट में फूड स्टॉल है और राइट में अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं। क्लॉज होने लगे हैं स्टॉल काफ़ी सारे, लोग अभी कम है, चहल पहल थोड़ी कम है और जो लोग शॉप अभी ओपन करके बैठे हैं वो भी हिसाब किताब में बिजी हैं कि आज का दिन कैसा रहा। ये लुक जैन बैठा है अपने स्टॉल के अंदर और देखिए कोई गाना गा रहा है, सुनिए। मेरा दिल किया दुमा खाने का तो मेरे लिए दुमा बना के दिया उनके सिस्टर ने। Playing with the camera. That's what do you call this? Duma. This is Duma. Duma. Duma, yeah. Duma. Duma, yeah, or Duma? Duma, Duma. Duma. We this call it Supari. Supari. Thank you. Want to eat? Do you want to eat this? No, no, look. No, no, it's a, no, no. She camera. Want to see from this side. Hello, that's me. Eating Duma. Yummy, yummy. मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, उनकी वो प्यारी प्यारी हरकतें। ये देखिए जब तक मैं वहाँ रहा उनकी शॉप में इन बच्चों के साथ खेलता रहा और देखिए किस तरह से हमारे खिलौने बदल जाते थे। मेरे हाथ में बलून, उसके हाथ में कैमरा। मार्केट बंद हो चुकी है अब लुपजंग और हम लोग चले हैं कल के लिए टैक्सी बुक करने। कल हम जा रहे हैं टाइगर्स नेस्ट की हाइकिंग के लिए जिसे टैक्सेंग भी कहा जाता है। तो लुपजंग मदद कर रहा है हमारी टैक्सी बुकिंग में। हमें जो रेट मिला है वो है 450 रुपये 1 person 1 side, तो आना जाना 900 रुपये का। लुपजंग ने बात करके आना जाना 300 रुपीज़ में करवा दिया है, यानी कि 150 रुपी ईच साइड पर पर्सन। लोकल लोग अगर आपके साथ होते हैं ना आपका फ़ायदा रहता है, क्योंकि टूरिस्ट को तो किसी भी कंट्री में हमेशा ज़्यादा रेट ही पूछा जाएगा। थैंक्स लुपजंग इस हेल्प के लिए। रात में 11:50 का टाइम है और ये तीकड़ी निकली है पारो की अंधेरी गलियों को चीरते हुए गेम नाइट वाली जगह पहुंचने के लिए जहां इन दिनों पारो फेस्टिवल के दौरान ढेर सारी गेम्स लगी हैं। ड्राई चीज है, इसको मुंह में रख के बस चूसते जाना है। लेकिन नहीं नहीं मैं छोटा बनाना चाहिए, इतना बड़ा क्यों बनाया फिर? उनके मुंह के ना इनको दुगना खाने की आदत है ना। दुगना खाने की आदत बोले दुगना दुगना इसलिए उनके लिए बनाया। अच्छा तुम लोग दुगना कितने दुगना नहीं होते दुगना बोलते हैं दुगना 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 बोलते हैं तो दुगना कितनी देर में खाना होता है? मैं तो 5 मिनट में खा के खत्म कर देता हूँ। अरे आप हमारे पंजाबी हो आपको कुछ नहीं होता। मैं को खाना है तो कल मैं भी खा सकता हूँ। कैसे काम करता है सिस्टम?
मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि काम कैसे करता है। सामने टेबल पे 1 से 12 तक गिनती लिखी है, किसी भी नंबर पे आप पैसा लगाइए, जितना पैसा आप लगाएंगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा, 50 का 500, 100 का 1000, 200 का 2000। अब ये सामने जो व्हील आपको दिख रहा है इस पे नंबर लिखे हैं सेम 1 to 12। आप जब उसको ये पूरा रोटेट करेंगे घुमाएंगे तब आप एक डार्ट से यहाँ पर फिट करेंगे, जिस नंबर पे डार्ट लगेगी वो नंबर होगा विनर, और जितने लोगों ने उस नंबर पे पैसा लगाया है वो जीत जाएंगे और बाकी सब हार जाएंगे। लेकिन ये गैम्बलिंग का ही एक रूप है एक तरह से, लेकिन भूटान में अलाउड है ड्यूरिंग पारो छेचू फेस्टिवल, यानी ये जो एनुअल फेस्टिवल पारो में इन दिनों हो रहा है इस दौरान ये गेम स्टॉल्स वहाँ लगते हैं, और ये एक नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स आपको देखेंगे इस सारे एरिया में, 50 से भी ज़्यादा। यही है पारो की गेम 9। एक डिमोस्ट्रेशन मैं समझाता हूँ गेम किस तरह से खेला जाए। अभी तो स्टॉल पर हम जा रहे हैं, यहाँ आपको मौका मिलेगा गेम स्टार्ट से ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó?